वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल VM क्लासेस पर। साथियों RPSC यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा सेकंड ग्रेड अध्यापक संस्कृत सब्जेक्ट, वरिष्ठ अध्यापक जो होते हैं नवी और दसवीं की क्लास टीचर जो बनते हैं बीए बीएड करके जो टीचर्स बनते हैं सेकंड ग्रेड जिन्हें हम कहते हैं, या वरिष्ठ अध्यापक, या यूं फिर कहें कि नवीं और दसवीं वाले जो टीचर्स होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए हर कोई पढ़ा लेता है लेकिन वो अलग बात होती, पद पद होता है ना। तो संस्कृत सब्जेक्ट का सेकंड ग्रेड RPSC सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड द्वितीय श्रेणी अध्यापक संस्कृत सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसकी रिजल्ट जो है या उसका कट ऑफ जो है डाल दी गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दिव्यांगों के परिणामों को लेकर, दिव्यांग से रिलेटेड जो कट ऑफ रही है संस्कृत की सेकंड ग्रेड टीचर की उसकी हम चर्चा इस विषय में वीडियो में करने वाले हैं, किसकी कितनी गई है। और इसमें ये भी बताएंगे कि जिसकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रही है ज़्यादा जाती है या जिसकी सबसे कम जाती है उसकी ज़्यादा चलेगी, ऐसा क्यों हुआ है, कहने का मतलब आप समझ पा रहे ना, यानी कि MD जो आपकी मल्टीपल डिसेबिलिटी है उसकी हमेशा कम जाती रही है लेकिन सेकंड ग्रेड संस्कृत में सबसे ज़्यादा चली गई, आखिर क्यों है, क्या कारण है उसका, ये हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि चीज़ को। मैं जो बात कर रहा हूँ वो TSP एरिया की वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने TSP का इसमें दिया नहीं, non-TSP की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे आप जानते हैं बताने की कोई जरूरत नहीं है कि TSP में कितनी गई होगी, लेकिन हम विशेष चर्चा कर रहे हैं non-TSP की, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन non-TSP की बात कर रहे हैं, वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट है आपके संस्कृत, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 126 मेन की बात है, इसमें 156 गई है, कोई कहने वाली बात नहीं है। उसके बाद आती है हमारे BLLV जो आंखों से देख नहीं सकते, ब्लाइंड की अगर मैं बात करूं ठीक है ना, तो 8188 ठीक है ना। और इसका अगर हम टोटलिंग बात करें तो पेपर कितने का होता है, तो 450 नंबर का पेपर होता है आपके, ताकि आप अनुमान लगा सकोगे कितने में से कितने नंबर कट गई है। तो 188 BLLV की गई है और HI की गई है 183.31, ये प्रतिशत जो है आपके गई है वो ये डेट ऑफ बर्थ आपके गई है ठीक है ना। तो इतने नंबर वालों का सिलेक्शन जो है 2 गुना में हुआ है। LDCP और अदर्स यानी कि LDCP जो ग्रुप है, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो LD कैटेगरी का ही है ना, बोथ लेग वन लेग बोथ आर्म्स वन आर्म्स बोथ आर्म्स एंड बोथ लेग्स, ये जितनी भी कैटेगरी है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत ही आती है। इसकी अगर हम बात करें ठीक है ना, तो 12/7/1991 इसकी जन्म तारीख गई है और 242 मिनट LDCP की 450 में से 250 नंबर मेरिट गई है ना, समझ पा रहे ना, 242.84 जिसके भी नंबर थे LDCP में उसका 2 गुना में सिलेक्शन हो गया था। अब हम बात करें ID इंटेलिजेंस डेवलपमेंट, यहाँ पे MI मेंटल आइलनेस, SLD लर्निंग डैमेज ऑटिज्म एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये जो भी कैटेगरियाँ है आपकी जिन्हें हम साधारण तौर पर MD कैटेगरी के नाम से जानते हैं बहुविकलांग है ना, इसकी मेरिट के लिए 270 बाबरे, सबसे ज़्यादा इससे भी ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा बाबरे, मल्टीपल डिसेबिलिटी 270 चली गई, ये तो उल्टा हो गया, ये कैसे हो गया, क्या कारण इसका। इसका अगर मैं बात करूं या तो फर्जीवाड़ा हुआ है मल्टीपल डिसेबिलिटी में, जो MD कैटेगरी है मल्टीपल, ये जो कैटेगरी है 270 वाली, इसके लिए या तो फर्जीवाड़ा हुआ है कि भाई MD की जब से ज़्यादा जाती है चलो सर्टिफिकेट बना लो हम भी MD में चले जाएंगे, ज़्यादा चली गई उल्टा हो गया। अगर इसका ऐसा कारण नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि फर्जीवाड़ा हुआ हो, ज़रूरी नहीं कि फर्जीवाड़ा हुआ हो, तो क्या हो गया है, इसका मतलब ये कि इसमें कैंडिडेट थे, जरूर थोड़ी है कि यार सब मेरिट में ही आ जाए MD वाले, किसी में कम किसी में ज़्यादा, सेकंड ग्रेड में लगता है BA तैयारी जो आपने MD कैटेगरी वाले हैं वो BA वाले ज़्यादा होंगे ठीक है ना, और संस्कृत में ज़्यादा होंगे क्योंकि संस्कृत में तो बिना PTET के भी सिलेक्शन होता है, तो सब ने इसमें ले लिया होगा, सिलेक्शन हो गया होगा। ये भी हो सकता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है, सीटें जो है उस पर कितने फाइटर है उस पर डिपेंड करता है ठीक है ना। तो ज़रूर नहीं कि फर्जीवाड़ा हुआ हो, कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, LD से भी ज़्यादा कैंडिडेट होंगे और सब मेहनत करने वाले होंगे, मेहनत कर ली होगी तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा चली होगी, इसमें कोई बात नहीं है। ज़रूर नहीं कि MD की
कम ही जाए, कहीं में ज़्यादा जाती है कहीं में कम चली जाती है, डिपेंड करता है आरक्षण पर और उस पर फाइटर का यानी कंपिटेटर कितने, उस पर आवेदक कितने आए, उस पर कंपटीशन जो एग्ज़ाम देने वाला है स्टूडेंट अभ्यर्थी जो है आपकी कैंडिडेट है अभ्यर्थी जो है वो कितने हैं उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कंपटीशन जाएगी और मेहनत पर नहीं डिपेंड करता है। जरूर नहीं कि प्रतिभा हुआ हो, है ना, जरूर नहीं है। ये छात्रों पर भी डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कितने थे और किसने कितनी मेहनत की थी, इसके कारण परीक्षा होता है, वरना LDCP की तो 142 की जो कि इससे कम है। तो ये थी सेकंड ग्रेड संस्कृत की कट ऑफ। फिर भी आपके बारे आपको जो है कुछ भी विचार विमर्श है इसके लिए आप जरूर, ठीक है ना।